देश की आर्थिक स्थिति इन दिनों चिंता का सबसे बड़ा सबब बनी हुई है, जिसने हर नागरिक के माथे पर शिकल लाती है। हर कोई सोच रहा है कि स्थिति में सुधार होगा कैसे, आखिर ऐसा क्या उपाय निकाला जाए जो देश को इस बुरे दौर से बाहर निकाल सके। इसी परेशानी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने तो पीएमओ को लेकर ही बड़ी सलाह दे डाली है। देश के बिगड़े हालात को लेकर पीएम मोदी को कई बार घेरा गया, आंकड़ों के जरिए हकीकत का आईना दिखाया गया, लेकिन जहां पनाह झूठे विकास के जश्न में इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें गलतियां नजर ही नहीं आती। इसीलिए अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने उन्हें पूर्व की मनमोहन सरकार से न सिर्फ सीख लेने की सलाह दी बल्कि तानाशाही छोड़ने की भी नसीहत दी। आर्थिक मंदी को सुधारने की सलाह देते हुए रघुराम राजन ने कहा कि देश मंदी के दौर से गुजर रहा है और अर्थव्यवस्था में भारी सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। इसका मूल कारण अर्थव्यवस्था का संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय से होना है। एक ही आदमी पूरे देश को चला रहा है जबकि मंत्री सिर्फ देख रहे हैं। इस आरोप के साथ उन्होंने कहा कि केवल फैसला ही नहीं बल्कि विचार और योजना पर निर्णय भी प्रधानमंत्री के कुछ नजदीकी लोग और पीएमओ के लोग लेते हैं। पार्टी के राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे के लिए तो ये सही है, लेकिन आर्थिक सुधारों के मामलों में ये काम नहीं करता। जहां ऐसे लोगों को ये पता नहीं कि राज्य स्तर से इतर केंद्र स्तर पर अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। इसी के साथ रघुराम राजन ने पूर्व की मनमोहन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछली सरकारों का गठबंधन भले ही ढीला हो सकता है, लेकिन उन्होंने लगातार अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का रास्ता चुना, इसीलिए आज तक भारत इस दौर से कभी नहीं गुजरा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, इसीलिए पीएमओ को सारी शक्तियां देने की बजाय मंत्रियों को भी फैसले लेने चाहिए। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भले ही पीएम मोदी को खुले तौर पर हिटलर न करार दिया हो, लेकिन उनका बयान विपक्ष के आरोपों को जरूर बल देता है। अब जब देश की स्थिति ऐसी होगी तो सवाल तो उठेंगे ही, सरकार तो घिरेगी ही। डीबी लाइव की रिपोर्ट।